दिल्ली में प्याज के दामों में गिरावट आई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में आज प्याज 70 से 80 रुपए किलो मिल रही है। आपको बता दें, रेट नीचे आने की वजह फसल का सही होना, पुरानी प्याज धीरे धीरे खत्म होना बताया गया, जिसके चलते प्याज के दाम 20 रुपए तक गिरे हैं। आज के रेट पे हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए हैं आजादपुर मंडी के आरती, जो प्याज के आरत देखते हैं यहाँ पे, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्रीकांत मिश्रा। श्रीकांत जी, आज प्याज में गिरावट आई है? नहीं, आज गिरावट नहीं आई, आज उल्टा कल परसों से आज 100 रुपए की तेजी है। अभी मान के चले लगभग 4 से 5 रुपए किलो की तेजी है। चार, मतलब पहले से जो 150 रुपए रेट था, 100 रुपए रेट था, उससे तो कुछ नीचे है? हाँ, इस समय थोड़ा सा नीचे नॉर्मल जरूर हुआ है इस वीक में, लेकिन आज थोड़ा सा 4-5 रुपए का उछाल आया है। तो वजह क्या है इतना उछाल आने की और हम नीचे आ रहा है, उसकी क्या वजह? उसका कारण यह है कि पीछे थोड़ा सा अराइवल ठीक हो गई थी और जो बाहर से प्याजें आई थी इसका भी असर था, लेकिन अभी ये क्या है कि जो बाहर की प्याजें भी आ रही है, तुर्की वगैरह की, तुर्की की, ईरान की, ये जो प्याज आ रही हैं, इनको लोग, आम कस्टमर कम पसंद कर रहा है इसको। क्या स्वाद नहीं है इन प्याजों में जो बाहर से आ रही है? हाँ, इनमें स्वाद भी नहीं है और ये मोटी ज्यादा पड़ रही है, इसमें टेस्ट भी नहीं है, इसलिए लोग इसको कम पसंद कर रहे हैं। तो अभी तो ये सरकार कह रही है कि वहाँ पे जो फसल है वो अच्छी हुई है, फिर भी रेट बढ़ रहे हैं। कहाँ पर? आगे महाराष्ट्र में भी, इधर उधर? नहीं, फसल अभी अच्छी नहीं है, फसल ही वहाँ की फसल कमजोर हुई है, तभी तो ये तेजी बनी है। मतलब पहले? हाँ, पहले से वहाँ पर अराइवल थोड़ा सा होनी चालू हो गई है, इसीलिए थोड़ा सा रेट डाउन हुआ था, लेकिन अभी इतनी अराइवल नहीं हुई है कि रेट ज्यादा डाउन जाए। कितना समय और लगेगा रेट को अपने सामान्य रेट पे आने पे? सामान्य रेट आने पे अभी कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना और? मतलब आप कह रहे हैं जनता प्याज से दूर रहे? नहीं नहीं, दूर ना रहे, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये अभी नॉर्मल रेट नहीं अभी हो पाएगा, कम से कम 1 महीना। खरीदार बढ़े हैं पहले के जैसे? अभी जब रेट ज्यादा थे तब खरीदार बिल्कुल ही था मार्केट में, आज की अगर हम बात करें तो कुछ बढ़ा क्या खरीदार? नहीं, ऐसा नहीं है, जब भी वही खरीदार थे अब भी वही खरीदार है, खरीदार न बढ़ा है न घटा है। एक्चुअल क्या है कि पहले ये अलवर की जो फसल आ रही थी, इसकी क्रॉप अपने समझिए अपने जवानी पे थी, तो अराइवल ठीक ठाक आ रही थी। अब इसकी अराइवल अब कम हो गई है, मतलब समझिए अब वहाँ मुश्किल से 10% फसल क्रॉप रह गई है अलवर की, तो अब इसकी अराइवल भी कम हो गई है। जहाँ पहले 20,000-25,000 कट्टा आ रहा था पर डे, वहाँ अब आज खाली 13,000 कट्टा है, तो इसका फर्क पड़ेगा। धन्यवाद श्रीकांत जी।